जय भोलेनाथ की मेरे सिरसा वासियों को, प्रदेश वासियों को। श्री बाबा तारा जी का जन्म फागुन की शिवरात्रि को और बाबा जी ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि को हैं। शिव स्वरूप थे, शिव के अवतार थे और उनके आशीर्वाद से आज ये तारकेश्वरम धाम जो 25 एकड़ में बना है, ये भव्य रूप में यहाँ भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान है। 108 फीट की भव्य शिवालय, भव्य गुफा और ये भव्य पंडाल बाबा जी के आशीर्वाद से हर वर्ष यहाँ कभी भागवत, कभी रामायण, कभी शिव पुराण हमारे सिरसावासियों को अमृत वर्षा बाबा जी के आशीर्वाद से मिलती है। उन्हीं के आशीर्वाद से बाबा जी के अब की बार शिव पुराण का कथा का आयोजन होने जा रहा है 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक, जिसमें श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले आएंगे और अपने मुख से अमृत वर्षा करेंगे। और इस कथा के अंदर भगवान भोलेनाथ का गुणगान करते हैं वो, ये ऐसी अमृत वर्षा करते हैं शिव पुराण में कि लोग इनको आशीर्वाद समझते हैं और इनको इस अमृत वर्षा से लोगों के दुख दूर होते हैं। ये एक कथा बाबा जी के आशीर्वाद से हमें मिली है, जिसकी लगभग हमने तैयारियां पूर्ण कर ली है और कुछ रह गया, बाकी शेष काम चल रहे हैं कि जल्दी पूरे हो जाएंगे और यहाँ एक कथा का बड़ा अच्छा आयोजन होगा। भव्य कथा में कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? देखिए, मेरे ख्याल से जो अभी लोगों से हमें मिला है और जो हमने कथाएँ देखी है, जहाँ जहाँ कथा चल रही है, उसके बाद मैंने कथाएँ रीड की, अभी महाराष्ट्र में 2 जगह हुई, 40 गाँव में 1 हो चुका है। अभी भी मैं सभी कथाएँ देख रहा हूँ उनकी, महाराज जी की, और सभी को देख रहा हूँ कि उनके भगतजन करीबन 9 करोड़ से ऊपर उनके फ्लोवर्स हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ हर जगह 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, तो मेरे को यहाँ जो सूचना मिल रही है वो 2 लाख से ऊपर लोगों की सूचना मिल रही है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। और हमने 2 लाख लोगों के लगभग यहाँ बैठने की व्यवस्था कर दी है बाबा जी के आशीर्वाद से। बाकी तो करने वाले बाबा जी हैं और वो कण कण में यहाँ विराजमान हैं, लेकिन लगभग 2 लाख लोग रोज़ यहाँ आएंगे, उनकी तैयारियाँ हमने कर चुके हैं। और करीबन जो लोगों से को सुनने को मिला है कि जो लोग बाहर से आएंगे वो 20-25 हज़ार लोग यहीं कुटिया में रहेंगे, तो हमने उनका 20 हज़ार लोगों का रहने का भी इंतज़ाम कर दिया है सिरसा में और हमारी कुटिया में, और उनका सबका खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया है कि सुबह शाम दोनों टाइम 25-25 हज़ार आदमियों का खाना यहाँ कुटिया में तैयार किया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएँ चल रही है बाबा जी के आशीर्वाद से, और पूर्ण कर लेंगे। बाकी जो समाचार मिलेगा आपके थ्रू मिलेगा, क्योंकि आपके थ्रू तो ज़्यादा मिलता है, तो हम आपके थ्रू और सारी चीज़ें लेंगे और उसको करेंगे पूरी। कितने एकड़ में पंडाल लगाया जा रहा है? ये लगभग हमारी जो बाबा जी की कुटिया है ये 25 एकड़ में ही है, क्योंकि जो लोग पंडाल में बैठेंगे, क्योंकि कुटिया के अंदर भव्य गुफा है, शिवालय है, पार्क है, लोग वहाँ चारों तरफ, हमने 75 के लगभग स्क्रीनें लगा रहे हैं, सभी जगह स्क्रीनें लगाएंगे, क्योंकि एक इतना बड़ा पंडाल में लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन स्क्रीनों के सारे अलग अलग पार्कों में अलग अलग जगह व्यवस्था की गई है कि लोग वो बैठ जाएंगे। लगभग 2 लाख आदमियों का बैठने का इंतजाम किया है।